राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मानवता को शर्मसार करता एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते के सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन पर एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डिप्टी नरपत सिंह ने बताया कि एक महिला ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ पति द्वारा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। बकौल डिप्टी, बुधवार को एक महिला ने वर्धा थाने पर पहुंचकर बताया कि राखी के त्योहार पर वह अपनी मां से मिलने पिहर गई थी। ऐसे में उसके पति ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही दुष्कर्म कर दिया। महिला जब वापस अपने घर लौटी तो बच्ची ने पिता द्वारा किए गए कुकृत्य की घटना पूरी मां को बताई। घटना सुनकर मां भी स्तब्ध रह गई। उसने बताया कि इससे पहले भी उसका पति 2 बार बेटी के साथ कुकृत्य कर चुका है। पति से डर के कारण 6 दिन तक थाने नहीं पहुंची, लेकिन बुधवार को हिम्मत जुटाई और वर्धा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डिप्टी नरपत सिंह ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से बच्ची का मेडिकल करवाकर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। एक महिला ने एक प्रकरण दर्ज करवाया है कि वो 11 तारीख को 11 अगस्त को राखी के दिन अपनी भाई के यहाँ पर राखी बांधने गई हुई थी। उसके बच्चे, 3 बच्चियाँ और 3 लड़के पुत्र पुत्रिया सारे और उसके हस्बैंड घर पर भी थे। 12 तारीख को उसके पीड़िता के पिता डूंगरपुर मजदूरी कर शाम को वापस घर आते हैं। रात को करीबन 10 बजे, 12 अगस्त रात को 10 बजे करीब उस बड़ी वाली बच्ची को, नाबालिग जो काल्पनिक नाम है, उसको साइड वाले कमरे में उठा के लाते हैं और उसके साथ पिता अपनी पुत्री के साथ में बलात्कार करता है। जब 13 तारीख को पीड़िता की माता जब घर पर आती है तो वो दुबक के रोने लगती है और सारी घटना अपनी माँ को बताती है। माँ डर के मारे वहाँ बच्ची ये बताती है कि पूर्व में भी जब माँ का ऑपरेशन हुआ था तब 2 बार और उसके साथ खोटा काम किया था। तो माँ स्वयं भी वहाँ से ऐसे पति से डर कर अपने मायके चली जाती है और आज थाने पर आकर उसका भाई, उसके काका और उसकी बहन सभी जने आके थाने पर प्रकरण दर्ज करवाते हैं। प्रकरण में और उसकी माता 11 तारीख को राखी के त्यौहार पर अपने भाई के घर देवल गांव में राखी बांधने जाती है। वो पीड़िता अपने छोटे मोटे 2 बहन और 3 भाइयों के साथ में घर पर रहती है, उसका पिता भी घर पर रहता है। 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को वो उसके फादर, बच्ची के पिता, डूंगरपुर से मजदूरी करके वापस शाम को घर आते हैं और रात को करीब 10 बजे पीड़िता काल्पनिक नाम के साथ में वो बलात्कार खोटा काम करते हैं। जब 13 तारीख को उस बच्ची की माता जब घर पे आती है तो वो माँ के गोदी में डूबक कर बच्ची रोने लगती है कि मम्मी, मेरे पापा ने ऐसा खोटा काम कर लिया मेरे साथ। और पूर्व में जब आपका ऑपरेशन हुआ था 2 महीना, करीब 2 महीना पहले, तब भी पापा ने 2 बार मेरे साथ ऐसा खोटा काम किया था। मुगलों दर्ज हो गया है और काल्पनिक नाम नाबालिग बच्ची का मेडिकल बोर्ड से, महिला चिकित्सक से, चिकित्सा अधिकारी से, मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल रेप संबंधित मेडिकल करवाया गया है और अनुसंधान जारी है। सर, मुलजिम की गिरफ्तारी हो चुकी है या बाकी है अभी तक? नहीं, अभी मुलजिम की गिरफ्तारी बाकी है। अभी आज 4:30 बजे प्रकरण दर्ज हुआ है। नाबालिग की तरफ से प्रकरण किसने दर्ज कराया सर? उसकी माता ने, नाबालिग बच्चे की माता ने। ठीक है सर।